जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र भोजी। सबसे पहले आज आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूँ। ये एक ट्रेनिंग सेंटर से एक जवान ने मेरे पास भेजा है, जिसमें उसने दिखाया है कि हमारे एक सेना के जो जवान हैं, अधिकारियों के कुत्ते घुमा रहे हैं। दूसरी जगह उसी वीडियो में एक अधिकारी की गाड़ी साफ कर रहे हैं। उससे पहले भी मैंने वीडियो डाला था, आपने देखा होगा कि अधिकारियों की पार्टी चल रही है और उसमें बर्तन भी जवाब धो रहे हैं। यानी ये अधिकारियों का मिसयूज, जवानों का जो ये मिसयूज कर रहे हैं हमारे अधिकारी, ये क्यों है? टर्निंग सेंटर में जवानों को देश सेवा के लिए तैयार किया जाता है या इनकी निजी सेवा के लिए तैयार किया जाता है? इस तरह के एक दो वीडियो मैं आज इसमें डाल रहा हूं। उससे पहले मैं काफी लोगों के जो कमेंट्स पढ़ रहा हूं और उसमें कुछ सुझाव हमारे जवानों ने दिए हैं, तो उनके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं। सबसे पहले एक जवान ने कमेंट्स किया था कि सर, अगर कुछ बड़ा करना है तो सुप्रीम कोर्ट में केस डालो या कोई बड़ा आंदोलन करो, और उसके लिए सभी जवानों से 100-100 रुपए कट करो। उसने एक उदाहरण भी दिया था, अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि हमारे इन अफसर साहिबानों का राशन बंद हो गया था, और कुछ भी समस्या जो इनके लिए आती है तो ये लोग 1000 या 2000 रुपए इस तरह कटिंग करके और एक बड़ा केस डाल देते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें अभी ये राशन का जिस तरह जीतकर दोबारा ये ले भी रहे। उस जवान ने बताया था कि जब वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, चंद मुट्ठी भर अफसर हैं, तो जवान, इतने जवान होने के बावजूद, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स से हैं या हमारी डिफेंस सेना से हैं, एयरफोर्स, आर्मी, जहां भी, जिन सिस्टम के लिए हम लड़ रहे हैं, तो मैं चाहता हूं उस जवान ने जो सुझाव दिया, अगर आप उस मानने के लिए तैयार हो, 100-100 रुपए कटिंग की जाए और बड़ा आंदोलन और एक सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज किया जाए इस सहायक प्रथा के खिलाफ, जिसमें ये जवानों से अपने निजी काम, चाहे अपने घरों में झाड़ू पोछा लगाने का काम हो, चाहे इस तरह कुत्ते घुमाने का काम हो, चाहे जवानों से गाड़ी साफ कराने का या अपनी निजी पार्टियों में बर्तन साफ कराने का या वेटरगिरी कराने का, यानी जो भी निजी काम ये करवा रहे हैं वो सारे के सारे बंद हो। अगर आप सहमत हैं तो मैं मेरे ये अकाउंट नंबर इसमें डाल रहा हूँ, मेरा पेटीएम भी नंबर भी दे रहा हूँ। जितने ये मेरे से लगभग इस चैनल के माध्यम से 3,19,000 लोग जुड़े हुए हैं, मुझे पता है इसमें कुछ एक लोग ही चाहते होंगे कि व्यवस्था परिवर्तन हो। कुछ तो अधिकारियों के चमचे भी इसमें जुड़े हुए हैं, जिनके उल्टे सीधे कमेंट्स भी आते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि इतना ही क्यों कर रहा है, क्यों लोगों से पैसे मांग रहा है। तो मैं भी इतना बड़ा कोई टाटा बिरला नहीं हूँ कि सारे केस मैं अपने पैसे से लड़ूँ। मैंने ये मुहिम चलाई है इस चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए, और इन काले जो अंग्रेजों के जो काले कानून देश में चल रहे हैं और ये अंग्रेजों की औलाद जो भ्रष्ट अफसर हैं, उनको नंगा करने के लिए चैनल बनाया है। वो मैं अपना काम कर ही रहा हूँ। जैसे ही मेरे को दिल्ली में चाहे धरने देने की जरूरत हो या कहीं लोगों को कुछ मैसेज देना हो, ऐसे बड़े प्रोग्राम के लिए मैं अकेला, मैंने पहले भी कहा कि मैं बैन नहीं कर सकता, कुछ एक लोग हैं हमारे बीच बीच में सहायता करते हैं, तो अगर आप सहायता कर सकते हो, आपको मेरे पर ट्रस्ट है, विश्वास है, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, तो वो इसमें 100 रुपया या जिससे भी आपकी इच्छा अनुसार आप उसमें कट करें, भेजें अपने साथियों से, पूर्व सैनिकों से, ताकि हम सुप्रीम कोर्ट में इस सिस्टम के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन केस लड़ सकें, बड़ा एक वकील हायर कर सकें और एक न्यूज चैनल के माध्यम से एक बुक छपवा कर, मतलब ये बड़े कार्यक्रम और एक बड़ा धरना देकर इन सिस्टम के खिलाफ चल सकें। आप लोगों की जो भी राय है इस कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। बाकी जो मैं मेरी चाल से जिस तरह से मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जिस तरह बोलते हैं ना कि पत्थर पर अगर रस्सी भी घिसती है तो वो जरूर उस पत्थर को भी काट देती है, तो मेरी चाल चल ही रही है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये चीजें जल्दी खत्म हो, हमारी लड़ाई थोड़ी फास्ट हो, तो इसके लिए आपको मेरे पर विश्वास करना होगा, पैसों की जरूरत, हमें आर्थिक मदद करनी होगी। जो लोग, मैं फिर कहता हूँ कि इस चैनल से जितने लोगों को जोड़ सको जोड़ो, जैसे जैसे हमारी तादाद आज 3,19,000 है, कल 6 लाख होगी, किसी दिन 10 लाख होगी, इस तरह 20 लाख, 50 लाख, इस तरह हमारी तादाद जब बढ़ती जाएगी और हमारी आवाज़ उनके कानों तक जाएगी,
तो उनकी पैरों की जमीन अभी ढीली हो चुकी है। मेरे नाम से बहुत से मेरे साथी बताते हैं कि दरबार में लिया जाता है कि रविंद्र खोजी से जुड़ो मत, उसका चैनल से आवाज मत सुनो। बहुत से लोगों का ये भी कमेंट्स आता है कि हम आर्मी के खिलाफ बोल रहे हैं। मैंने पहले कहा है, मैं ना तो मेरे किसी भी वीडियो में सेना के खिलाफ बोला गया है, ना अर्धसैनिक बल के खिलाफ, ना ही किसी अफसर के खिलाफ मैं बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ सिर्फ और सिर्फ उन गद्दार भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ जो जवानों को अपना गुलाम समझते हैं, जो जवानों से इस तरह का निजी काम कराते हैं। अब जवानों से कुत्ता घुमाओगे, जवानों से तुम मैं जो अपना टॉयलेट साफ करवाओगे, अपनी मैडमों के कच्चे बनान दुलाओगे, और हम तुम्हारे खिलाफ बोले भी ना। एक जवान का कमेंट था कि सर क्या वीडियो से ये चीजें बदलेंगी, हमारी फौज की बदनामी होती है। तो दोस्त कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो बदनामी के डर से जितना छुपाई जाएंगी उतना ही अत्याचार बढ़ेगा, क्योंकि इनके खिलाफ मैं काफी नेताओं से मिल चुका, बहुत से अधिकारियों को मैंने डायरेक्ट बताया है, लेकिन उनके कानों पर जूं नहीं रेंगती। नेता वही अपनी 5 साल आते हैं, अपना खिचड़ी पकाई, अपनी तिजोरी भरी और चले जाते हैं। उनकी हिम्मत नहीं है कि सेना के खिलाफ बोले। वरना मैंने राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री मोदी जी को, अमित शाह जी को, राजनाथ जी को सबको चिट्ठियां दी है, कोशिश की है उनके ऑफिस में जा जाकर बाई हैंड ये सारे लेटर देने की। जब भी मैं दिल्ली जाता हूं या किसी भी सिलसिले में, कोशिश करता हूं किसी मंत्री के साथ बैठकर ये बातें पहुंचाने की, लेकिन सब यही कहते हैं कि हाँ हम संसद में इस मुद्दे को उठाएंगे। कुछ एक लोगों ने, एक बीच में आया भी था, एक संसद में एक आवाज उठी भी थी कि जवानों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, ये सहायक सिस्टम और ये बंद होने चाहिए। भाई जब अंग्रेज अफसर थे उस टाइम भारतीय जवान थे, वो उसको गुलाम समझते थे। आज अफसर भी हमारे देश के हैं, जवान भी हमारे देश के, फिर ये क्यों भेदभाव क्यों है? इसको बंद करना पड़ेगा। अच्छे अफसर हैं उनको मैं फिर कहता हूं, आप पहल करें कि हम सहायक नहीं लेंगे। फिजिकल फिट आप लोगों को, तो भी अफसर हो तो आपको पेमेंट अच्छी दी जा रही, सुविधा अच्छी दी जा रही है। सिविल सर्वेंट रखो, ये गाड़ियों के लिए वॉशिंग पिट बने हुए हैं सिविल में, वहां से गाड़ी धुलाओ। क्यों इन जवानों का खून पी रहे हो, क्यों इनसे वेटरगिरी करा रहे हो? ये सब नाजायज काम है, इनके लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये मैं वीडियो डाल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप इनको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये जितना चलेगा, जितना लोगों तक पहुंचेगा, जितनी ही उनकी जो जमीन है वो खिसकती जाएगी। अभी बीच में काफी कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास भेजो, कि हमारे पास आपके वीडियो पहुंच ही नहीं रहे। तो उसका कारण, आपने या तो चैनल को जो सब्सक्राइबर है वो आप हट गए होंगे, या कुछ सरकार की तरफ से भी बीच बीच में इस तरह की पाबंदियां होती है, आपके पास नहीं पहुंचती। तो वो आपका काम है कि आप एक बार सर्च करें, यूट्यूब में जाके रविंद्र फौजी लिखेंगे, जो हमारा चैनल आता है उस चैनल में देखो कि हम रोज क्या डाल रहे हैं। कम से कम जो पढ़े लिखे जवान हैं, जिनकी आज की सोच है और जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, वो लोग तो पहल करो। मेरे को पता है पुराने हमारे फौजी हैं, वो आज भी इनको भगवान मानते हैं। वो सोचते हैं कि पेंशन मिलना या कोई सुविधा मिलना ये लोग ही हमें दे रहे हैं, हमें हमारी मेहनत का फल पेंशन जो मिलती है या कोई सुविधा मिलती है, तो हमारी मेहनत और हमारी काबिलियत के तौर पर। कोई अफसर हमें अपनी निजी संपत्ति में से या किसी के बाप के पास इतनी दौलत नहीं है वो हमें दे रहा हो, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ भी हूँ। कई अफसर जो कहते हैं कि बॉस गिरी जिसको करनी है, अपनी सिविल कंपनी खोलें, प्राइवेट कोई जॉब करे और वहां बॉस गिरी करे, ये सरकारी संस्था है, देश की सबसे बड़ी संस्था है और हम चाहते हैं कि ये मजबूत हो। लेकिन कुछ एक गद्दार अफसरों की वजह से ट्रेनिंग सेंटर में जब जवान को ट्रेनिंग ही नहीं कराई जाएगी, उसको शुरू से ही झाड़ू पोछे में और बूट पॉलिश में रखा जाएगा, वो क्या देश सेवा करेगा? वो फिर हमेशा इसी लेन में रहेगा, और जब जरूरत पड़ती है लड़ाई में या कहीं ऐसी जगह में, जब बोलते हैं कि 2 लाख सैनिक, तो हमारे मैं जो पाकिस्तान ने बोला है, कुछ घटिया नेता भी बोल देते हैं कि आपके 2 लाख सैनिक तो जूता पॉलिश में लगे हुए हैं, तो वो सही बोलते हैं, हमारे जूता पॉलिश में 2 लाख से ज्यादा इनके निजी कामों में लगे हुए हैं। सरकारी फंड आता है उसमें 60% इनकी अय्याशी के काम चलते हैं। सरकार का पता नहीं क्या रुख है, ध्यान नहीं देती, सुप्रीम कोर्ट तक ये बातें पहुंचती नहीं या जोर शोर से उठती नहीं है। मीडिया हमारी जो बड़ी हुई मीडिया छोटी छोटी चीजों को जो बैंज उजागर करती है, दिखाती है, जब किसी सैनिक की बात आती है सिर्फ एक बार चलाकर उस मसले को दबा देती है, क्योंकि इनको प्रेशर आ जाता है, इनके चैनलों में या जहां भी बहुत से रिटायर्ड अधिकारी लोग बैठे हैं इनको दबा देते हैं।
मैंने ओपनली कह रखा है कि किसी भी चैनल में कोई भी राष्ट्रीय चैनल कोई भी बुलाता है वहां हमें बुलाओ, और जो वो आते हैं बड़ी बड़ी मूंछों के, चाहे जनरल बख्शी हो या कोई और हो आर्मी की तरफ से, कोई भी अफसर अगर हमें डिबेट में हमसे बैठकर इन चीजों का जवाब दे तो हम ये चैनल तो क्या हम शू करना छोड़ देंगे, लेकिन अगर इन चीजों का जवाब दे दे कि जो हम बोल रहे हैं वो गलत है अगर कह दे तो मैं इंडिया गेट पर फांसी लटकने के लिए तैयार हूं, अगर एक भी शब्द मेरा झूठा हो और नाजायज हो। हमने कोई मांग नहीं रखी कि हमारी पेमेंट बढ़ा दो, मैंने कुछ मांगा नहीं सरकार से न किसी से भी। हम चाहते हैं कि जो गलत हो रहा है वो चीजें बंद हो। ये वीडियो देखें, शेयर करें, जो मैंने कहा उन पर गौर करें, कमेंट्स में अपने जवाब दें कि हमें क्या करना चाहिए। बहुत से जवानों को उनके यूनिट के सीओ या और अन्य अधिकारी परेशान करते हैं या उनसे नहीं दे सकते, तो आप अपनी फैमिली के, अपने भाई के किसी भी फोन से, किसी भी ईमेल से आप ये चैनल को जुड़ सकते हैं, वहाँ से कमेंट्स कर सकते हैं। और पता वो तो मैं बता दिया कि इनकी ज़मीन खिसक चुकी है, ये नाम से इस तरह डर रहे हैं और इनको डरना पड़ेगा। मैं भी कई बार कोई छोटी मोटी बात होती है तो डायरेक्ट किसी भी, अगर कोई किसी का छुट्टी का मैटर या कोई ऐसा मैटर आता है तो मैं खुद पहले उसके रेजिमेंट के सीओ से या ब्रिगेड कमांडर तक, जहाँ तक मेरी कोशिश होती है, मैं खुद डायरेक्टली बात करता हूँ, उनको समझाता हूँ कि ये चीज़ें यहीं की ख़त्म कर दो आप, किसी जवान को नाजायज तंग करना, छोटी छोटी बातों पर छुट्टी नहीं देना, इस तरह की चीज़ें मैं पहले उन्हीं को डायरेक्ट बताकर, मैं कोई डायरेक्ट किसी का वीडियो उसमें नहीं डालता। जब मैं देखता हूँ कि वो अपनी दादागिरी में चूर है, नशे में बिल्कुल मद है, कि सत्ता और पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है अपनी कुर्सी का, तब हम चीज़ें वीडियो के जरिए जनता के सामने रखते हैं। और जब जनता के सामने जो चीज़ें आ जाती हैं, वो गलती मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि जब जब कोई चीज़ उजागर होती है फिर उसको कितनी भी बड़ी पावर, कितना बड़ा रैंक उसको बचा नहीं सकता। वीडियो देखें, शेयर करें और बातों पर विचार करें। अगर आप चाहते हैं तो मैंने जो नंबर दिया है उस पर अपना आर्थिक सहयोग करें। सेना के अलावा भी बहुत से लोग मेरे पास डायरेक्ट व्हाट्सएप वगैरह में भी लिखते हैं कि बताओ हम क्या कर सकते हैं, क्या करें, तो मैं किसी से भी व्हाट्सएप में ये अपील नहीं करता कि आप ये भेजो या भेजो। जो भी मेरा काम होता है मैं इसी चैनल के माध्यम से ओपनली बोलता हूँ। कुछ लोग चिढ़ते हैं या जलते हैं, चमचे भी इसमें जुड़े हैं, मेरे को पता है, जैसे मैंने पहले बताया, तो जलने वालों को जलने दो, क्योंकि उनको पता है कि अभी एक मेरी साहब से बात हो रही थी, लेफ्टिनेंट जनरल हैं, तो उनको मैं कई बार बीच में वो कोई मिलने वाले हैं तो जो कहता हूँ तो बोलते हैं कि यार कुछ जवान अगर ये नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे, क्योंकि उनसे नौकरी नहीं होती। तो मैंने कहा साहब उन अनफिटों की वजह से जिनसे नौकरी नहीं होती, उससे अच्छा लाखों युवाओं को आप इतनी सी किसी की आइटकम होती है उस वजह से निकाल देते हो, कोई रनिंग में इतना सा रह जाए तो उसको निकाल देते हो, और ऐसे बूट पॉलिश और गद्दारों को भर रखा है, जिस दिन आमना सामना होगा किसी दिन चीन से, किसी दिन कोई बड़ी महाशक्ति से, क्योंकि पाकिस्तान तो इतनी सी चिड़िया है जिसको कभी भी दबोच लो, लेकिन जब बराबर टक्कर होगी उस दिन आपके कायर लोगों की वजह से हमें हार का सामना देखना पड़ेगा, ये याद रखना। चलो बातें जब होंगी बताते रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल से जुड़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये मैं सिकंदर कुत्ते कुमार है बड्डी जवान, उसके लिए बोले क्या क्या, देखो क्या हो रहा है, कुत्ते कुमार है।